हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उत्तम सिंह राणा, और चलिए आज सॉल्व करते हैं सैनिक भर्ती जनरल ड्यूटी का ये पेपर। ये मैथ्स का पेपर है। ये कल इसके एग्जाम हुए थे 28 मार्च 2021 को, और मैं जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करके आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पेपर के आंसर मैंने विधिवत किए हैं, पूरे विधि के साथ बता रहा हूँ, तो आपको जरूर ही पसंद आएगा। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने सामान्य ज्ञान और साइंस वाला पेपर दूसरे वीडियो में सॉल्व किया है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे सॉल्व करते हैं आर्मी भर्ती जनरल ड्यूटी का ये पेपर। इसका जो 31वां प्रश्न है, 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि पहले 6 लड़कों की आयु का औसत 19.5 वर्ष है, तो 7वें लड़के की आयु कितने वर्ष होगी? देखिए, 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो हम सबसे पहले कुल आयु ज्ञात करेंगे 7 लड़कों की। 7 लड़कों की कुल आयु हो जाएगा 20 × 7, 140 वर्ष। ठीक है, अब इनमें से 6 लड़कों की औसत आयु 19.5 वर्ष है, तो यहाँ पे 6 लड़कों की हम कुल आयु ज्ञात करेंगे, तो 19.5 बोले तो 19.5 × 6, इसको गुणा करेंगे तो इसको आप गुणा करिए, 117 वर्ष आएगा। ठीक है, अब इसका जो अंतर होगा इसमें से, इसको जो हम घटाएंगे, 117 में अगर हम 23 ऐड कर दें तो 140 हो गया जाएगा। तो इसका मतलब जो छठवां सातवां बच्चा है उसकी उम्र 23 साल है। देखिए, अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर दोनों साथ साथ काम करते हैं, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? देखिए, ये प्रश्न ये कह रहा है कि ए तो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन ये क्या है कि पहले दिन ए ने शुरू किया काम, दूसरे दिन ए नहीं जाएगा, बी काम करेगा, तीसरे दिन केवल ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा। तो ऐसी कंडीशन में एक दिन का काम लेंगे हम, तो ए का हो जाएगा एक दिन का काम 1/10, और बी का हो जाएगा दूसरे दिन का 1/15। तो आप हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि देखिए, इसके नीचे बराबर करिए तो इसका 30 बन जाएगा, इस 2 से मल्टीपल करके तो इसका मान हो जाएगा 2/30। यानी एक दिन राम ने काम किया, एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया तो 3/30, फिर बी ने काम किया तो 2/30 काम किया, फिर ए ने काम किया तो 3/30 काम किया, फिर बी ने काम किया, इस ढंग से आप समझिए 3/30 काम किया। तो फिर यहाँ ऊपर का जोड़ 3 है तो 5, और 3 8 और 2 10, और 3 13, 2 15, तो कितने दिन हो गए? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन। तो क्योंकि ये 6 दिन काम किया, तो इन्होंने 15/30 हिस्सा आधा काम किया, तो पूरा काम हिसाब लगा सकते हैं हम कि 12 दिन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इन सबका जोड़ जो है 30/30 आना चाहिए, तो आप तब तक करते रहेंगे जब तक 30/30 ना आए, तो 12 दिन में ये पूरा काम करेंगे। देखिए, ऐसे प्रश्न अगर कभी समझ में नहीं आते हैं तो इसको अंदाजे से भी किया जा सकता था। इसके जो विकल्प थे बहुत अच्छे दे रखे थे, क्योंकि बी 15 दिन ले रहा है, तो ये 15 दिन, जब ए भी काम कर रहा है तो 15 दिन से कम का समय लगेगा, क्योंकि ए जो है 10 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब ए भी कर रहा है, बी भी कर रहे हैं, तो एक दिन छोड़ के कर रहे हैं, तो इसका मतलब 10 दिन से और 15 दिन के बीच का जो टाइम होगा वही आंसर होगा। तो देखिए, 12 ही आंसर होगा, क्योंकि 10 और 15 के बीच केवल वही है। देखिए, यहाँ 5 है, 25 है, 125 है, 5 25, तो 5 25 25, 25 125, और 125 पंजा होगा 625। अगली जो संख्या आएगी वो 625 आएगी। एक बहुभुज में 44 विकर्ण है, तो इनकी भुजाओं की संख्या बताओ। देखिए, एक बहुभुज में 44 विकर्ण है, तो इनकी भुजाओं की संख्या बताओ। सपोज उस बहुभुज में n भुजाएं हैं, तो इसका जो सूत्र है, देखिए मान लीजिए इस त्रिभुज में n भुजाएं हैं, तो इसका जो सूत्र होता है विकर्ण ज्ञात करने का, वो होता है n n-3 / 2। तो ये
विकर्ण निकालने का सूत्र है, तो इसको मैं विकर्ण दिए हुए हैं इक्वल टू 44। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 44 गुणा 88। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड ज्ञात कर दीजिए जिसका यू अंतर 3 हो और गुणनफल 88 हो, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 8 और 11 होंगे क्योंकि 8 में से 11 गया, तो माइनस 11n प्लस 8। एट एन माइनस 88 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए यहां एन कॉमन ले लीजिए, यहां बचा एन माइनस 11, यहां प्लस 8 कॉमन ले लीजिए तो यहां बचा एन माइनस 11 88 11। अब इसके देखिए 2 इक्वल टू 0, तो इसके दो गुणनखंड हमको ये मिल गए हैं n प्लस 8 और n माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसमें हमने क्या करना है, एक एक का मान ज्ञात करना है कि n प्लस 8 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 8, ठीक है ना। और यहां दूसरा है n माइनस 11 इक्वल टू 0, तो जब n माइनस 11 0 होता है तो n इक्वल टू 11, तो इसका मतलब ये तो अमान्य हो गया, ये माइनस में कभी भुजाओं की संख्या नहीं आ सकती, तो इसका मतलब इसमें 11 भुजाएं होंगी। अगला प्रश्न है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी संभावना है, तो इसकी 0 संभावना होती है। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, 12वीं पारी के बाद का नया औसत ज्ञात करो। देखिए यहां बल्लेबाज 12वीं पारी के बाद 12वीं पारी में 63 रन बनाता है और उसका औसत बढ़ जाता है 2 रन, तो हम ये मानेंगे कि सपोज अब तक उसका औसत जो है एक्स था, एक्स है, अब नया औसत कितना हो गया एक्स प्लस 2, 2 बढ़ गया और इसने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो इसका देखिए इसका मतलब 11 पारी का इसका टोटल कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, 11 बार तो x को 11 से गुणा करेंगे तो 11x में हम 63 जोड़ करके जो नया औसत बन रहा है तो 11 पारियों के टोटल में हम 63 को जोड़ेंगे तो पारियां हो गई 12 और जो नया औसत बना वो 2 रन बढ़ गया एक्स प्लस 2, ठीक है ना। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए तो यहां तो ऐसे रहेगा 11x प्लस 63 इक्वल टू 12x हो जाएगा और ये 12 दूनी 24, अब ये सॉरी 12x को हम इधर लाएंगे तो ये रह जाएगा x बराबर, ये माइनस में इधर जाएगा तो इसको इधर 24 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 39। तो x का मान किसका मतलब जो पुराना औसत था वो 39 था, जो नया औसत होगा तो x प्लस 2 होगा तो यानी 39 में 2 ऐड कर देंगे तो ये 41 रन का होगा, तो ये वाला आंसर सही। देखिए यहां पे हमने देखना है कि आगे कौन सा अंक संख्या आएगी, तो यहां देखिए 31 में से 6 कम है ये, यहां 25 में से 6 कम है, यहां 19 में से 6 कम है, लेकिन ये श्रृंखला को पूरा नहीं कर रहा है तो हम इस पे जाएंगे, तो ये 7 में 6 है इसमें तो 7 और 6 13 और 6 19 और 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25, तो इसका आंसर होगा 25। 25 से टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी मेरे से और आगे चलिए
देखिए प्रश्न नंबर 38 है, दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उनका योग ज्ञात करो। देखिए हम इसको दो संख्याओं का अंतर है 2, तो एक संख्या x मानी दूसरी y मानी, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28। तो यहाँ हमने x का मान ज्ञात करेंगे, अगर इसका हम पक्षांतर करेंगे तो y को आगे ले जाएंगे तो ये x बराबर हो जाएगा x 2 प्लस y, ये y आगे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम इतना कर देंगे और इसका जो है दो गुणनखंड हम निकालेंगे, तो x प्लस y और x माइनस y इसके दो गुणनखंड होते हैं, तो x प्लस y और x माइनस y इक्वल टू 28 हो गया। तो x प्लस y हम ऐसे ही रखेंगे और x माइनस y की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, तो अब ये x प्लस y इंटू 2 इक्वल टू 28 हो गया, तो इसका मतलब x प्लस y इक्वल टू ये 2 आगे जाएगा अपॉन में हो जाएगा, तो 28 अपॉन 2 यानी इसको काटेंगे तो 40। अब x में यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू हमें पता है 2 प्लस y होता है, तो x की वैल्यू रख देंगे हम, तो 2 प्लस y प्लस y इक्वल टू 14 है। तो यहाँ पर देखिए 2y हो गया और ये 40, ये 2 जो है आगे चला जाएगा माइनस में, तो 14 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 12, तो y इक्वल टू हो गया 12, ये 2 आगे जाएगा तो 12 अपॉन 2 हो जाएगा 12/2 यानी 6 हो गया। ठीक है ना, तो y का मान जब 6 हो गया तो अब हम इस पे y का मान x यहाँ रखिए आप, तो x ऋण 6 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 यानी x इक्वल टू 8। इसका मतलब एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या 6 है, तो यहाँ पे मैं आंसर सॉरी ये हाँ लेकिन इनका योग बताना है, तो 8 और 6 14 हो गए, देखिए 14। ठीक है ना, वैसे भी देखिए 8 में से 6 गया तो इनका अंतर हो गया 2, और 8 8 64 और 6 6 36, तो 64 में से 36 घटाएंगे तो 28 ही आएगा। देखिए 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो, तो एक ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम, तो इसका मतलब इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 9 को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं, तो किसी भी संख्या को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो उसके तीन अंकों के पीछे दशमलव जाता है, तो 1589, तो इसका उत्तर हो जाएगा, सॉरी इसमें मैं दशमलव लगाना भूल गया था, तो ये हो जाएगा बी वाला आंसर इसका 1.589। देखिए कहीं मिस्टेक हुई है क्योंकि ये पेपर साफ दिख नहीं रहा था, जो प्रश्न पत्र की फोटो साफ नहीं थी, और मैथ्स में तब तक काम करने में मजा नहीं आता, समझ में नहीं आता जब तक सवाल स्पष्ट उनकी डिजिट न देखी जा रही हो, इसलिए मैंने इसको अलग से टाइप किया फिर सॉल्व करके आपको भेज रहा हूँ, आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है तो उसको कितने प्रतिशत का घाटा होगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं इसको, माना सपोज एक आम का विक्रय मूल्य हमने 1 ही रुपए मान लिया, विक्रय मूल्य 1 रुपए, सेलिंग प्राइस इसको कहेंगे एसपी। अब 320 आमों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 320 रुपए होगा और 400 आमों का होना चाहिए 400, क्योंकि एक आम का 1 रुपया है। तो देखिए इसने 400 आमों को 400 में बेचना था लेकिन इसने बेच दिया 380 में, तो कितने का घाटा हुआ, तो 400 में से 320 कम कर दीजिए तो 80 रुपीज का घाटा हुआ, तो कितने पे हुआ 80 रुपीज का घाटा, 400 पर, तो 80 का घाटा हुआ 400 पर, तो इसको इंटू 100, तो जब हम 100 से गुणा करेंगे इसको, देखिए 2 जीरो कटा 2 जीरो कटा 4 2 8 4 2 8 20, यानी 20% का घाटा हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 20%। देखिए प्रश्न है, एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है और प्रवाह की दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, तो बोट की चाल किलोमीटर में प्रवाह और प्रवाह के विपरीत क्या होगी। देखिए इस सवाल को हम इस ढंग से समझ सकते हैं, माना मोटर बोट की चाल x किलोमीटर पर आवर है और नदी की चाल है y किलोमीटर पर आवर, तो बहाव की दिशा में जो चाल हो जाएगी वो x प्लस y हो जाएगी और बहाव की जो विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी x माइनस y हो जाएगी। तो बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर जाने में
इसको 2 घंटे का समय लगता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो 2 बराबर इसको हम कर देंगे, तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2x + 2y = 9, तो ये समीकरण 1 बन गया, और साथ ही इसको 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि समीकरण 2 के साथ, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो समीकरण 2 बना, ये बहाव के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर जाने में लगा समय जो है 6 घंटा लगा, तो यहाँ देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 6 बराबर इतना हो गया, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 6n - 6y = 9। अब यहाँ ये समीकरण दूसरी बन गई, तो पहली समीकरण को हमने 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि यहाँ y का मान हटाने के लिए, और इसको 12y हो गया, और 12y = 36, तो यहाँ पर देखिए ट्वेल्व एक्स इक्वल टू थर्टी सिक्स, तो x इक्वल टू 36/12 यानी 3 हो गया। अब इसका मान इसके साथ रखिए, x का मान तो 3 के साथ 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 × 3 = 6 और प्लस 2y, तो 2y = 9 है, तो ये हो गया 2y = 9 - 6 हो जाएगा, तो इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2y = 3, तो y = 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर, तो इसका आंसर जो है इस तरह से हो जाएगा, x का मान 3 आ गया और y का मान 1.5, तो इसका उत्तर ए वाला हो जाएगा 3 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर/आवर। अगला देखिए, एराइज कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। एराइज में देखिए 5 लेटर्स हैं, और कोई भी लेटर 2 बार रिपीट नहीं हुआ है, तो इसको करने का जो सबसे बढ़िया तरीका यही है, क्योंकि 5 × 4, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 × 20 = 60, 60 × 120, तो 120 बार हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ज्ञात करो 30% ऑफ इसका, तो इसको पहले जोड़ दो, तो 1500 में 600 जोड़ दीजिए 600 को, तो ये हो जाएगा 2100 का 30% 30/100, फिर 2 जोड़ कटा 1 कटा, तो 21 × 63, तो 630 आंसर आएगा। एक त्रिभुज है, इसकी परिधि 600 मीटर है, तो त्रिभुज की परिधि यानी भार के भारी माप 600 मीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात है 12:13:15, ठीक है ना, 15 है, 12 है, 13 है, तो इसका मतलब ये कितनी सबसे बड़ी लंबी भुजा ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा 12x + 13x + 15x = 600, तो ये हो गया 15, 13, 28 और 12 = 40, 40x = 600, तो x = 600/40, 0 कटे 0, तो 4 से काटे, 4 × 4 = 15, यानी इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे बड़े को मान 15 है, तो 15 × 15, तो ये हो जाएगा 225, तो सबसे बड़ी भुजा हो गई 225 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसके ये 45 प्रश्न समाप्त हो गए, और अब जो अगला भाग है ये मानसिक योग्यता का है, तो चलिए इसको सीधे पेपर से सॉल्व करते हैं। देखिए, एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, जब घड़ी में दोपहर 1 बजे दिखता है, तो घंटे वाला कांटा कितने डिग्री घूमता है। घड़ी में यहाँ पर ये 7 होता है, ये 6 है, यहाँ ऊपर 12 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो 7 और 1 के बीच में जो होते हैं वो 6 घंटे होते हैं, 7 और 6 = 13 होता है, तो 1 बजे को हम 13 बजे कहते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री का अंतर होता है, ये समझ लीजिए 1 मिनट = 6 डिग्री का अंतर हो जाता है, तो 5 मिनट में कितने का अंतर होता है, 5 मिनट बोले तो 1 घंटे के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है ना।
तो 5 मिनट में होता है 30 डिग्री का। तो क्योंकि यहाँ 6 घंटे हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे 30 × 6, तो इसका मतलब 180 डिग्री का अंतर होगा, तो बी वाला आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से नंबर जोड़ी समूह चुने जो दूसरों से अलग है। तो यहाँ देखिए 5 15 5 है, 15 5 है, यहाँ 36 6 है, यहाँ 32 2 है, यहाँ 42 4 है। तो ये सब क्या है कि 15 का गुणनखंड 5 है, यानी 5 का भाग 15 में जाता है, 36 का गुणनखंड 6 है, 32 का गुणनखंड 2 है, लेकिन 42 और 4 आपस में न एक दूसरे के गुणज है न एक दूसरे के गुणनखंड है, मैं यानी 4 का भाग 42 में नहीं जाता, तो अलग यही होगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, उनका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। व्यक्ति का दिनेश के साथ क्या संबंध है? तो देखिए, मेरी बेटी के पिता का पिता, सपोज मैं हूं तो मेरी बेटी का पिता तो मैं हूं, और मेरे पिता हो गए मेरे दादा, मेरे पापा जी, तो यानी पापा जी का एकमात्र भाई मेरा चाचा होगा, तो इसका सही आंसर है अंकल। इसमें देखिए, आपने श्रृंखला में विषम संख्या छांटिए, तो यहाँ है 3 5 7 9 11, तो इसमें अलग होगा 9, क्योंकि ये सारी अभाज्य संख्या है और 9 भाज्य संख्या है, यानी आंसर बी। अगला देखिए, पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़का को कार्यकर्ता के रूप में एक कोड भाषा में लिखा जाता है, तो 6 वर्ष साल की महिला का कोड होगा। यहाँ पे थोड़ा घुमा रखा है, 6 साल की जो महिला होगी वो लड़की होगी, ठीक है ना, 6 साल की महिला को क्या बोलेंगे, लड़की, और लड़की को कहते हैं लड़का, तो इसका जो कोड होगा वो बॉय हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो इस तरह से ये पेपर समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये सभी नौजवानों के पास पहुंच सके, सभी लड़कों के पास पहुंच सके जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो धन्यवाद आपका देखने के लिए, और नमस्कार, ओके बाय।